देखते हैं 28 नंबर, y इक्वल टू में दिया हुआ है यहाँ पे log रूट अंडर टेन एक्स, डेरिवेटिव निकालना डी बाई डी एक्स निकालना कितना पे पाई बाई फोर पे। चलिए देखते हैं पहले इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में वन बाई क्या हो जाएगा रूट अंडर वन बाई रूट अंडर, यह देखिए पहले लॉग है ना जी, तो लॉग वाले का वन बाई क्या हो जाएगा टेन रूट अंडर टेन एक्स, और रूट अंडर टेन एक्स का वन बाई टू रूट अंडर टेन एक्स, और फिर टेन का हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, वन बाई टू रूट टेन एक्स टेन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद इसे साइन कॉस में बदलते हैं, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में लिख सकते हैं वन बाई टू यहाँ पे हो जाएगा साइन, या फिर एक काम करो ना यहीं पे पुट कर दो, या साइन कॉस में बदल ही दो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी बदलते तो यहाँ पे ही पुट हो सकता था कोई दिक्कत नहीं था उससे, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में वन बाई क्या हो जाएगा साइन टू एक्स हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा कॉसेक टू एक्स, तो अब हमें क्या करना है एट पाई बाई फोर पे ना देखना है, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कॉसेक कॉसेक टू पाई बाई फोर, ये कट जाएगा कॉसेक पाई बाई टू, तो कॉसेक पाई बाई टू क्या होता है वन होता है, ठीक है। साइन पाई बाई टू और कॉसेक पाई बाई दोनों तो वन ही होता है ना, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी नंबर में हो जाएगा, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आज की क्लास में इतना ही।